अंबानी ने मुझे अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में इनवाइट किया था। मैंने इतना एंजॉय किया अंबानी फैमिली की वेडिंग को। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक इंस्टाग्राम सबका सीईओ है वो आया हुआ था। इसके अलावा बिल गेट्स जो रिहाना ने 75 करोड़ लिया आने, लेकिन आके जो उससे अन्नी पाती है अपना डांस से और अपने डांस स्टेप से और अपनी परफॉर्मेंस से, मुझे तो सबसे ज्यादा मैंने उसकी परफॉर्मेंस इंजॉय की। उसने बोला था अनंत एंड अदराकी थैंक यू फॉर यूनियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई दूसरे दिन जो अन्नी मचा दी है दिलजीत सिंह ने, सबने एंजॉय किया, स्टेज पे खड़ा करवा के परफॉर्म भी करवाया। रिहाना बाजी का यहाँ से बाजू फट गया एंड पे कितनी डिशेस थी, 2500 डिशेस। भाई मुझे नहीं लगता कि सब ने सब डिशेस भी चखी होगी, पहले फुल हो गए होंगे। विल जॉइन यू अंबानी साहब इन योर सन्स वेडिंग इन जुलाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी न्यूज़ बताने जा रही हूँ जो आप सबको डिप्रेशन में डालेगी कि हैरत में डालेगी, मुझे नहीं पता, मुझे तो हैरत डाल दिया। अंबानी ने मुझे अपने बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में इनवाइट किया था, यू नो, लेकिन बजट नहीं बना, मेरा बजट बहुत ज़्यादा था, तो अंबानी अफोर्ड नहीं कर सका, तो फिर हम नाते तो उतने रह गए। बट है इट्स जस्ट फन कह सकते हैं, इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, अब मैंने इतना इंजॉय किया अंबानी फैमिली की वेडिंग को, इतना ज़्यादा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उधर ही मौजूद हूँ, उस शादी के वेन्यू पे ही मौजूद हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तुम्हें मैं क्या बताऊँ, ये जो वीडियो बना रही है इस टाइम, कि तुम्हें पता कौन कौन आया था उनकी शादी पर? कौन भाई? मैंने इधर जो है ना, वो मरियम नवाज के बेटे की शादी हुई थी और मुझे लग रहा था ग्रैंड पार्टी हुई है, ग्रैंड वेडिंग हुई है। लेकिन भाई जो अंबानी की शादी मैंने देखी है ना, और अभी शादी भी नहीं, इट्स जस्ट अ प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, उसके बाद तो मैं यूं ही हो गई। आपको पता है इसकी शादी पे डोनाल्ड ट्रंप की बेटी वो आई हुई थी, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक इंस्टाग्राम सबका सीईओ है वो आया हुआ था। इसके अलावा बिल गेट्स जो दुनिया का एक टाइम पे दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहलाया जाता था, और अभी भी मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे आई गेस दुनिया के अमीर तरीन इंसान उनकी शादी पे आए हुए हैं, और पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। और भाई परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जहां पे हर एक को ये था कि अंबानी मुझे रख ले परफॉर्मेंस के लिए, मुझे रख ले परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज हमारा हो, लेकिन अंबानी ने वहां पे बॉलीवुड को जरा किया थोड़ा सा साइड पे, और पहले दिन इनवाइट किया रिहाना को। रिहाना ने पता कितने पैसे लिए? 75 करोड़ रुपए। भाई 75 लाख भी नहीं, पता नहीं कितने लाख मिलाओ तो 75 करोड़ बनता है। इतने में तो मेरी सात पुश्ते संवर जानी थी, मेरी सात पुश्ते क्या 14 पुश्ते संवर जानी थी अगर मुझे वो इतने पैसे दे देता तो। रिहाना ने आने के लिए, मुझे लगता है रिहाना ने भी बड़ी चलाक है, इसे पता होगा अंबानी बुला रहे हैं, उसको पता था टॉप दुनिया के टॉप 15 बिजनेसमैन में आता है, 10 में आता है, तो मैं उसके मुताबिक चार्ज करती हूँ। अगर मैं बुलाती तो शायद 50 लाख में भी मान जाती बेचारी। अब अंबानी ने बुलाया तो उसने अपना बजट 75 करोड़ कर दिया। भाई ये होता है, इट्स अ दुनिया, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ बिटर रियलिटी, तो ऐसा होता है भाई, ऐसी दुनिया में छोटी छोटी बातें तो होती हैं। तो रिहाना ने 75 करोड़ लिया आने का, और भाई आने जाने की बाय एयर टिकट्स। और रिहाना एक अदद बंदी नहीं है, रिहाना के साथ मेरे ख्याल से कोई 50 बंदों की तो टीम थी जो आए हैं अपना सामान लेके आए। मुझे लगता है एक जहाज से पूरा रिहाना का भर के आया होगा, किस मुल्क से आई है पता नहीं भाई, कहाँ से आई हमें क्या। लेकिन आके जो उसने अन्नी पाती है अपना डांस से और अपने डांस स्टेप से और अपनी परफॉर्मेंस से, उसके वोकल्स इतने क्लियर थे, मुझे तो सबसे ज्यादा मैंने उसकी परफॉर्मेंस इंजॉय की। वर्क डर आगे मुझे नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश की समझ ही नहीं आई, और लोग उसको ट्रॉल कर रहे हैं कि इसने गलत नाम लिया राधिका का, लेकिन उसने अपने एक्सेंट में बिल्कुल ठीक नाम लिया। उसने बोला था अनंत एंड अदराकी थैंक यू फॉर यूनियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर, इस तरह से उसने बोला था। लोगों को लगा उसने गलत बोला, भाई उसकी इंग्लिश ठीक है, आपकी खराब है, तो उसको ट्रॉल नहीं करो। भाई दूसरे दिन जो अन्नी मचा दी है दिलजीत सिंह ने, सबने एंजॉय किया मेरे ख्याल से, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर जगह से लोगों ने अंबानी की इस परफॉर्मेंस को, दिलजीत की इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया होगा। और मैंने तो दिलजीत की परफॉर्मेंस पे जो करीना के ठुमके देना भाई वो बहुत एंजॉय किए हैं, उसे जैसे ठुमके लगाए ना, आपको पता है करीना माशाल्लाह डोले जिम शिम करती है, उसके डोले यूं थे और वो कर रही थी
और सबने ही एंजॉय किया। अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा टाइम पीछे आप जाएं तो शाहरुख खान का एक वीडियो था जब वो एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसको किसी ने ऑडियंस में से सवाल किया था किसी एंकर पर्सन ने कि सर कभी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान को हम एक साथ देख सकते हैं किसी मूवी या किसी शो वगैरह में, तो उसने बोला था बेटा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, चड्डी बनियान बिक जाएगा तीनों को साइन करते करते। लेकिन अंबानी इज द वन पर्सन, वन एंड ओनली अंबानी, वो बंदा है भाई जिसने तीनों को अपने बेटे आनंद की शादी पे स्टेज पे खड़ा करवा के परफॉर्म भी करवाया। तीनों हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं हमेशा एक फ्रेम में, और बात यह है कि भाई सिर्फ अंबानी ही अफोर्ड कर सकता है। मुझे समझ नहीं आया इतना पैसा उसने शादी पे जाया कर दिया। और मैं यूं सोच रही थी कि भाई रिहाना 75 करोड़ ले गई, दिलजीत सिंह भी काफ़ी ज़्यादा ले गया गाड़ियों रेंट, और 50,000 तो उन्होंने गांव के लोगों को बुला के और आगे पीछे गरीबों को खाना खिलाया है तुम्हें पता है। और जब मैं यूं थी ना तो मैंने कहा यार ऐसे भी कोई कर सकता है, मतलब मैं अपने बाप को बोलूँ कि मैं शादी तब कराऊंगी जब रिहाना और दिलजीत सिंह की परफॉर्मेंस कराऊंगी, तो मेरा बाप कहेगा कंवारी मर जा बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं यूं ही हो गई। तो लेकिन यार मैंने बहुत इंजॉय किया भाई उसके ऊपर, फिर उन्होंने 30-30 मिनट की तो जो अपनी वो स्पीचेस थी मुझे ऐसा लग रहा था स्कूल का इवेंट है। पहले उसका बाप आया उसे सबकी तारीफें की, फिर बहू आई उसे सबकी तारीफें, फिर सास आई उसे सबकी तारीफें की, फिर अनंत आया उसे सबकी तारीफें की, पूरा बॉलीवुड यूं ही देख रहा था। और आपको पता है शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जिसके साथ लोग मरते हैं सेल्फीज लेने के लिए, भाई अंबानी साहब ने ना उन सबको अपने घर पे बुला के साइड पे बिठा दिया कि भाई तुम लोग यहाँ पे बैठो। मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड वालों को भी इज्जत मिली, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत वेस्टर्न लोगों को दी गई। मे बी आई एम रॉन्ग, यहाँ जो हमने सोशल मीडिया पे देखा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो दिलजीत की परफॉर्मेंस में पूरा बॉलीवुड स्टेज पे ही था, नाच रहे थे, उठपटांग हरकतें कर रहे थे, लेकिन रिहाना की परफॉर्मेंस पे कोई भी नहीं था। वो अलग बात है रिहाना बाजी का यहाँ से बाजू फट गया था एंड पे, क्योंकि उसने बहुत इंजॉय किया था और नंगे पांव भाई क्या बंदी परफॉर्म कर गई है, मुझे इंग्लिश नहीं आई समझ लेकिन रिहाना पसंद आ गई। भाई हमारी शादियों में वन डिश के अलावा अगर मीठे में 2-3 डिशेज एक्स्ट्रा हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, कहते हैं भाई क्या मजे का खाना दिया था। और अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में कितनी डिशेज थी, 2500 डिशेज। भाई मुझे नहीं लगता कि सब ने सब डिशेज भी चखी होगी, पहले फुल हो गए होंगे। और अच्छी बात यह है कि आनंद और वो सारे डे के टाइम में सब गरीबों को लाइन में खुद खाना सर्व कर रहे थे, मतलब अनबिलीवेबल, कोई इतना डाउन टू अर्थ पर्सन हो सकता है? अंबानी साहब कुछ कृपया मेरे पे भी करें प्लीज। और भाई यहाँ पे हम एक बंदे को भूल गए हैं जिसको हम भूलना नहीं चाहते, वो है डोली चाय वाला। भाई बिल गेट्स ने जाके डोली चाय वाले से चाय का एक कप पिया, उसके बाद तो डोली के टशन टशन पाए ही नहीं जा रहे। भाई डोली चाय वाला चाय पता है कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैकेट ऑफ मिल्क, और अब वो छुरी से इसको काटेगा और ना फिर यूज करके दूध डालेगा और फिर करेगा लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि डोली के उसके बाद इतने इंटरव्यूज, इतने ब्रांड्स ने उसको बुला लिए, अनबिलीवेबल, क्योंकि बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने उसके पास जाके चाय पी थी। अब मैं सोच रही हूँ क्या मैं काश डोली वाला होता, डोली चाय वाला होता, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे। लेकिन यार नहीं कोई बात नहीं, हमारे इधर PSL चल रहा था जिसकी वजह से हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स नहीं जा सके लेकिन उनमें से वो आया हुआ था MS धोनी तो ऑब्वियसली आया हुआ था, वो पाकिस्तान का थोड़ी है, लेकिन वो भी आया हुआ था, DJ ब्रावो चैंपियन वो वाला भी आया हुआ था और भी बहुत से लोग आए थे। मैं ये सोच रही यार कि उसने अंबानी ने अपने अर्निंग में से, अर्निंग कह लेना, अपने प्रॉफिट में से 0.1% यूज़ किया है प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में। लोग ये हैरान है कि भाई इतना अभी हो गया है प्री वेडिंग में। ड्रोन वो शो देखा था, ड्रोन शो जिसमें वो स्नैप्स और वो सारी चीज़ें कहानी आई थी आसमान के ऊपर, वो दिखाई उन्होंने ड्रोन शो करके, वो भी बहुत अमेजिंग थी। तो इतना सारा खर्चा उन्होंने प्री वेडिंग सेलिब्रेशन पे किया। शादी जो है वो जुलाई में है, अभी क्या मंथ है, मार्च शुरू हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने हैं, उसके बाद 4th महीने में शादी है। तो मैं ये सोच रही कब क्या होगा, मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया बैठ के सोच रहे कि अंबानी ने अभी इतना खर्च कर दिया तो
एक्चुअल वेडिंग में क्या होगा. सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर एक्चुअल वेडिंग और हम जुलाई तक अब वेट कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन अंबानी साहब कोई बात नहीं, आप शादी पे मुझे बुला लेना, मैं कम में आ जाऊंगी जितने में आप कहेंगे सर जी हाजिर है हम, लेकिन हम आ जाएंगे. वो बात की बात है. लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया आपकी प्री वेडिंग को और जिस जिसने इंजॉय किया है आपके क्या कमेंट्स है इस वेडिंग के ऊपर वो सारे कमेंट बॉक्स में बताएं. और अंबानी अंबानी है भाई, एंड पे यही कहूंगी भाई. टोटल ये प्री वेडिंग 3 दिन का इवेंट था और 3 दिन के इवेंट पे क्या नहीं, इमेजिन कितना पैसा लगा है. मैं तो सर पकड़ के बैठ के और मेरे मैं जो बोलूंगी ना वो सुनने के बाद आप भी यही करेंगे, 1200 करोड़ रुपए अंबानी ने प्री वेडिंग पे लगा दी. देखिए यार बहू प्यारी है ना उनकी, सास अभी तक जवान है तो बहू भी जवान ही रहेगी. लेकिन है आनंद एंड राधिका, कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ऐसे ही आप गरीबों का एहसास करते रहे. पूरी दुनिया से अंबानी ने शादी में लोग बुला लिए, पाकिस्तान से मेरा ख्याल से कोई नहीं गया, तो पाकिस्तान तो दुश्मनी है, बुलाओ सानू भी. आप कब में बुला लेना अगली दफा, कोई बात नहीं, फ्री में भी आ जाएंगे, फ्री में भी आ जाओगे सर, कोई ऐसी बात नहीं है. सॉरी वो आपकी आपकी बात ना मेरे मैनेजर से हुई थी, आप डायरेक्ट इस दफा मेरे से बात करना. मैनेजर कौन है सब बता दो, बेस्ट फ्रेंड बना लो. सो वी विल ज्वाइन यू अंबानी साहब इन योर सन्स वेडिंग इन जुलाई. सो तब तक के लिए खुदा हाफिज. ये ट्रेंड चल रहा था, मैंने यूं देखा, मैंने कहा अंबानी अंबानी क्या है, और मैंने कसम से पूरी रात यही देखती रही हूँ, मेरे ख्वाबों में अंबानी की शादी चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो गया मेरे ख्वाबों में, कुछ पता नहीं है. तो नवा कट्टा खुल गया अंबानी की शादी. चलो है अच्छा रहा, इंजॉय रहा और लोगों को